और भंडार मा सब लोग सहयोग दिया अपने भंडार जमारो अपने माँ तक। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। घसेरी का सभी दगड़ियों थे नमस्कार। आज हम धात का बारम छी बता कर दो। धात की बात अग्ने बढ़ान से पहली एक बार ई धात सुन लियावा तो फिर तुम थे पता चली जालू कि धात क्या हूं। तीन तारीख शाम भगत बड़े की वो मेला महामंत्री छी ना अपन दिशा होते सूचित कह दिया भारे और तीन तारीख सुबह तीन तारीख सुबह नंदक मंदिर मा पाठ बैठना चौबीस पाठ में बैठन चाला वो सुबह व्रत लेके की मंदिर में चल जाए आठ बजे सुबह मंदिर में पहुंच जाए व्रत लेके की और शाम भगत तीन तारीख शाम भगत संपूर्ण गांव खुने की और चार तारीख दिन भंडारक व्यवस्था चा और जो दान दीवाना छिना उगड़ा तीन तारीख आन जानक व्यवस्था वाली डिगिम चल गया। तो सुनी चे तुमन या धाद श्री भोला दत्त पंत जी कह तरह से अपना गांव वालों थे सूचित करना चाहिए तो अब तुम थे ही धाद को मतलब भी पता चल गया और चलो मी भी बताई दी दू। धाद को मतलब छ पुकारना या जोर से पुकार कर सूचना देना या किसी को बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाना। यहाँ से यो भी पता लग दे कि धाद कै तरह खुंदिन। जो धाद हमन तुम थे इकम सुनई वह पूरा गांव खुनी पुआड़ी छे। ई धाद में पूरा गांव थे इक्के दगड़ी बताए गया। इन धाद बड़ा गांव मरे जांत कह का ब्योकारी से लेकी के भी तरह की सूचना गांव में धाद मारी की दिए जांत। इनम लोग घर घरों बताने से बच जन और गांव वालों थे एक धात से पूरी बात भी पता चल जांत। सब भी गांव वाला वहीं धात को पूरु सम्मान कर दिन। इन तरह एक धात लगाने भी एक कलच। इन तरह एक धात मतलब सार्वजनिक धादम सबसे पहली सब भी ख्वालु को नाम लीणोक चलंच। जन सुन लिया भारे उलख्वाल पलिख्वाल मैलख्वाल तैलख्वाल धरगांव पंद्रह धार ढिसक्वाल पाल देव। मतलब यो च कि गांव में जो भी जगह छन उकका सब लोग थे कि यह सूचना सुनान से पहली तैयार करे जांद। अब तो गांव खाली होगी न तो इन धाद अब सुनने को कमी मिलनी छन। फिर भी कत गए गांव में यह परंपरा चलनी च। अरमी थे बड़ी खुशी च कि मेरे गांव से होलिम भी आज भी इन धाद मरे जांद। यत छे बात सार्वजनिक धात की कखी गोर उजाड़ चल गेन तो तब भी लोग धात लगन दिन। जन के गुयर थे पता चली जाऊ कि वे का गोर उजाड़ खाना छन। धात को छुट रूप च धय धात सार्वजनिक भी मरे जांद पर धय के एक आदिम थे कि बुलाणो को लगे जांद। जन पुंगड़म धान कनी बुआरी या बेटी थई धय लगे जांद छे कि वीन घोर का बॉडन। धय का मतलब होता है जोर से आवाज लगाना। क्या तुम थे पतच कि गढ़वाली माँ धाद नाम से एक पत्रिका भी निकल द श्री गणेश खुगशाल गणी ई पत्रिका का संपादक छन। ई पत्रिका थे जरूर पढ़ियान। हर महीना गढ़वाली में धाद लगा दिया धाद तो यत छे धाद की बात। हमारा गांव अगर फिर से रच बस जाला तो धाद भी लगन बैठ जाली। धात थे भी नई जूनी मिल जाली। एक धात घसेरी तरफ बिटी भी सुन लिया भारे दिल्ली देहरादून बम्बई कलकत्ता लखनऊ सहित देश दुनिया का कै भी कूणम बैठा उत्तराखंडी भाई बहनों अपना गढ़वाल कुमाऊं थे न बिसरा अपनी परंपराओं थे न भूला अपनी संस्कृति थे बनाए की राखो अपनी दूध बोली अपनी लोक भाषा थे बुलणम शर्म निकारा गौर बटी ले की पूर्ण तक जखी भी मौका मिल्द
अपनी दूध बोली में बात करें भारे। नमस्कार।